नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। अम्बाला में नगर निगम के चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं और अब सियासी दल जो हैं वो नामांकन भरने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। अम्बाला में आज यानी कि 15 दिसंबर का दिन नामांकनों भरा रहा और सबसे पहले अम्बाला की नई पार्टी या यूं कहें कि अम्बाला के नए मंच अम्बाला विकास मंच की मेयर पद की प्रत्याशी गुरमीत कौर ने आज सबसे पहले अपना नामांकन दाखिल किया। गुरमीत कौर अपने भारी जनसमूह के साथ अम्बाला के ADC कार्यालय में पहुंची और वहां पर निर्धारित अधिकारी के पास अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने बाहर आकर मीडिया से बातचीत की और बताया कि किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे और उनका सबसे बड़ा मुद्दा अम्बाला को तरक्की की राह पर लेकर जाना होगा, अम्बाला को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने की राह पर होगा। क्या कुछ कहना है मेयर पद की प्रत्याशी गुरमीत कौर का, वो आपको सुनवाते हैं। उसका सौंदर्यकरण करना है। अम्बाला में जितने भी लोगों को प्रॉब्लम्स है, जितनी भी, हम उनकी सुनवाई करवाएंगे। जो भी किसी को प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे नगर पालिका में, वो वाली हम सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। जी, आपकी फाइट किस पार्टी के साथ रहेगी? मैडम, ये मतलब वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर इंडिपेंडेंट। आपका पहला चुनाव है और किस तरह से लोगों का समर्थन है जो वो मिल रहा है, क्या उम्मीद लगा रही है? आप ये सारे देख रही हैं, ये मेरे सारे समर्थक ही खड़े हुए हैं, जितनी भी पब्लिक खड़ी हुई है, ये मेरे सारे चाहने वाले भी हैं, पावर भी है। अम्बाला विकास मंच के बाद कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी मीना अग्रवाल भी नामांकन दाखिल करने पहुंची। अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों को लेकर मीना अग्रवाल ADC कार्यालय पहुंची थी और उन्होंने भी अपने इलाके के निर्धारित अधिकारी को अपना नामांकन सौंपा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो भी अम्बाला में चौतरफा विकास को लेकर काम करेंगी और अम्बाला में विकास की जो गति है उसे और तेज किया जाएगा और जिस तरह से BJP ने शहर के कुछ इलाकों को नज़रअंदाज किया है, वो अम्बाला के सभी इलाकों को एक नजर से देखेंगी और अम्बाला में पूरी तरह से विकास किया जाएगा। वहीं सत्ताधारी पार्टी BJP की तरफ से डॉक्टर वंदना शर्मा भी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंची। डॉक्टर वंदना शर्मा के साथ BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं अम्बाला नगर निगम चुनावों के प्रभारी सुभाष बराला भी मौके पर पहुंचे और उनका नामांकन दाखिल करवाया, जिसके बाद सुभाष बराला ने मीडिया के साथ रूबरू होते हुए बताया कि डॉक्टर वंदना शर्मा अम्बाला के लिए बिल्कुल सही और सटीक उम्मीदवार हैं मेयर पद की और आने वाले समय में अम्बाला की जनता BJP पर डॉक्टर वंदना शर्मा पर अपना भरोसा जताएगी और इसके साथ साथ अम्बाला के सभी जो पार्षद हैं BJP की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले, उन्हें जिताकर अम्बाला में अच्छी और सच्ची सरकार जो है वो बनाने का काम करेंगे। सुभाष बराला का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। इसमें बहुत पढ़ी लिखी प्रत्याशी हमारी डॉक्टर वंदना शर्मा है और यहाँ पर पिछले 6 साल में जो काम हुए हैं, हमारे विधायक ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से जो तालमेल करके यहाँ जिस भी प्रकार की आवश्यकताएं थी विकास के कामों की, नई नई परियोजनाओं को लागू करने की, जन कल्याण के जो भी काम होते हैं सरकार के माध्यम से, हर एक काम यहाँ पे प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार ने, हमारे विधायक ने करवाया। तो बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर अम्बाला शहर में कार्यकर्ताओं की है और सब एकजुटता के साथ वंदना शर्मा को जिताने में जुटेंगे। और जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है तो सब लोग इस बात से परिचित हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने इतने बड़े आंदोलन में बहुत संवेदनशीलता के साथ काम लिया है और किसानों के जो प्रमुख रूप से जो सवाल खड़े हुए थे शुरू में, उनका हर एक सवाल का जवाब देने का काम किया, उसके ऊपर सहमति जताई है। और भविष्य में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने ये कहा है कि किसान किसी भी समय बातचीत करें, सरकार उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ कि 20 दिन हो गए आंदोलन को, तो सब मिल करके संवेदनशीलता के साथ सरकार भी और किसान संगठन भी इस मुद्दे पर विचार करें, इसका समाधान करें। भाजपा की फाइट किससे रहेगी? देखिए, अभी तो सामने बहुत सारे अलग अलग बिखरे हुए दल दिखाई देते हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, हम इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो समय बताएगा कि किसके साथ मुकाबला है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन ये निश्चित है कि जनता ने इतना मन तो बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। भाजपा कार्यकर्ता काफी नाराज है इस टाइम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने का एक मौका यहाँ पर दिया जाता है। बहुत लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर टिकटों का वितरण होता है। जहाँ तक किसी नाराजगी की बात है तो निश्चित रूप से
कार्यकर्ताओं से हम लोग बातचीत करेंगे और जिसकी भी नाराजगी उसको दूर करके वो चुनाव के अंदर लगाने का काम करेंगे। वहीं जनचेतना पार्टी की वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी अमनदीप कौर भी भारी जनसमूह के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची। नामांकन दाखिल करने से पहले अमनदीप कौर ने अंबाला के अपने वार्ड नंबर 12 इलाके में रैली निकाली जिसमें उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिला और अंत में उन्होंने सेक्टर 7 पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया।